पवई गांव में बिक रही अवैध शराब बिक्री पर विधायक प्रहलाद लोधी ने संज्ञान लिया है। विधायक लोधी ने भ्रमण के दौरान देखा कि कलेक्टर द्वारा कर्मचारियों के से ग्रामीण क्षेत्र में अवैध शराब बेचने के लिए भेजी जा रही थी, जिसे विधायक लोधी ने ठिकरिया गांव के पास दो युवकों को अवैध अंग्रेजी शराब ले जाते पकड़ा, जिसे पुलिस के हवाले कर मामला दर्ज करवाया है। पन्ना से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। विधायक जी, क्या शराब कहाँ कैसी पकड़ी है आपके द्वारा? मैं अपने निवास से बोरी होते हुए टिकरिया जा रहा था, बिसानी जा रहा था, तो ये बोरी रोड पर एक मोटरसाइकिल मिली, जिसमें मोटरसाइकिल पर दो लोग दारू रखे थे। बीच में मैंने रोका, मैंने पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो मैंने उनको रोका, मैंने कि रुकिए। मैंने पुलिस को बुलवाया कि आज त्यौहार के दिन सभी चीज़ें बंद चल रही, और मेरे क्षेत्र में आप दारू बेच रहे हो, मेरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हो, तो भ्रमण के दौरान मैंने दारू पकड़ी है और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।